नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। आरती करने से पहले जान लें जरूरी बात। आरती का अर्थ है पूरी श्रद्धा के साथ परमात्मा की भक्ति में डूब जाना। आरती को नीराजन भी कहा जाता है। नीराजन का अर्थ है विशेष रूप से प्रकाशित करना, यानी कि देव पूजन से प्राप्त होने वाली सकारात्मक शक्ति हमारे मन को प्रकाशित कर दे, व्यक्तित्व को उज्ज्वल कर दे। बिना मंत्र के किए गए पूजन में भी आरती कर लेने से पूर्णता आ जाती है। स्कंद पुराण में भगवान की आरती के संबंध में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता हो, पूजा की विधि भी नहीं जानता हो, लेकिन भगवान की आरती की जा रही हो और उस पूजन कार्य में श्रद्धा के साथ शामिल होकर आरती करें, तो भगवान उसकी पूजा को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। आरती दीपक से क्यों? रुई के साथ घी की बाती जलाई जाती है। घी समृद्धि प्रदाता है। घी रूखापन दूर कर स्निग्धता प्रदान करता है। भगवान को अर्पित किए गए घी के दीपक का मतलब है कि जितनी स्निग्धता इस घी में है, उतनी ही स्निग्धता से हमारे जीवन के सभी अच्छे कार्य बनते चले जाएं, कभी किसी प्रकार की रुकावटों का सामना ना करना पड़े। आरती में शंख ध्वनि और घंटा ध्वनि क्यों? आरती में बजने वाले शंख और घंटी के स्वर के साथ जिस किसी देवता को ध्यान करके गायन किया जाता है, उससे मन एक जगह केंद्रित होता है, जिससे मन में चल रहे विचारों की उथल पुथल कम हो जाती है। शरीर का रोम रोम पुलकित हो उठता है, जिससे शरीर और ऊर्जावान बनता है। आरती कर्पूर से क्यों? कर्पूर की महक तेजी से वायुमंडल में फैलती है। ब्रह्मांड में मौजूद सकारात्मक शक्तियों को ये आकर्षित करती है। आरती वह माध्यम है जिसके द्वारा दैवीय शक्ति को पूजन स्थल तक पहुंचने का मार्ग मिल जाता है। आरती करते हुए भक्त के मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि मानो वह पंच प्राणों की सहायता से ईश्वर की आरती उतार रहा हो। घी की ज्योति को आत्मा की ज्योति का प्रतीक मानना चाहिए। यदि भक्त अंतर्मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो यह पंचारती कहलाती है। आरती दिन में 1 से 5 बार की जा सकती है। घरों में आरती 2 बार की जाती है, प्रातःकालीन आरती और संध्याकालीन आरती। दीप भक्ति विज्ञान के अनुसार आरती से पहले भभगवान को नमस्कार करते हुए 3 बार फूल अर्पित करना चाहिए, जिसके बाद एक दीपक में शुद्ध घी लेकर उसमें विषम संख्या में यानी कि 3, 5 या 7 बत्तियां जलाकर आरती करनी चाहिए। सामान्य तौर पर 5 बत्तियों से आरती की जाती है, जिसे पंच प्रदीप भी कहते हैं। इसके बाद कर्पूर से आरती की जाती है। कर्पूर का धुआं वायुमंडल में जाकर मिलता है। यह धुआं हमारे पूजन कार्य को ब्रह्मांड की शक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है। किसी विशेष पूजन में आरती 5 चीजों से की जा सकती है। पहली धूप से, दूसरी दीप से, तीसरी धुले हुए वस्त्र से, चौथी कर्पूर से और 5वीं जल से। कैसे सजाना चाहिए आरती का थाल? आरती के थाल में एक जल से भरा लोटा, अर्पित किए जाने वाले फूल, कुमकुम, चावल, दीपक, धूप, कर्पूर, धुला हुआ वस्त्र, घंटी, आरती संग्रह की किताब रखी जाना चाहिए। थाल में कुमकुम से स्वास्तिक की आकृति बना लें। थाल पीतल या तांबे का लिया जाना चाहिए। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।